लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रेडियो किंग अमीन सयानी आज हमारे बीच नहीं रहे। आवाज की दुनिया के जादूगर कहे जाने वाले अमीन सयानी ने 91 की उम्र में अंतिम सांस ली है। जो लोग रेडियो की दुनिया को जानते हैं उन्हें पता है कि अमीन सयानी कौन थे। रेडियो को सुनने वाले बिना का गीतमाला के उस अनाउंसर को आज तक नहीं भूले हैं। दोस्तों, आपने आवाज़ नहीं सुनी होगी तो थोड़ी सी झलक हम अपने चैनल के माध्यम से सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सयानी। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। उन्होंने बिना का गीत माला में जितने भी हिट गाने बजाए उनमें प्रमुख हैं। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ जिंदगी में बड़ी एनर्जी और मेलोडियस अंदाज में बहनों और भाइयों कहते थे आज दुनिया से वह अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर ने लोगों को दुखी कर दिया है। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे फेमस रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है। उनके बेटे राजल सयानी उनकी मौत कंफर्म की है। अमीन सयानी ने 1951 में अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने भारत के रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। वे अपने बुद्धि, ज्ञान और आकर्षक प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। आज हमारे बीच नहीं रहे।